आज हम जिस खिलाड़ी का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की, जिन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर बदनाम किया गया था। वो कहते हैं ना, किस्मत हर वक्त किसी के साथ नहीं होती। ठीक उसी प्रकार रोहित शर्मा के करियर में एक ऐसा वक्त आया था जब रोहित शर्मा आलोचनाओं में पूरी तरह चारों तरफ से घिर गए थे और लोग यहां तक बोल रहे थे कि रोहित शर्मा को टीम इंडिया से ही निकाल दो। लेकिन वहीं जब रोहित शर्मा की बेहतरीन पारी की बात होती है तो लोग खामोश से हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 2022 एशिया कप और उसके जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप में मिली शर्मनाक हार से पूरा भारत गुस्से और आक्रोश में था। लेकिन क्या आपको पता है, रोहित शर्मा की एक ऐसी इनिंग जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं भारत T20 विश्व कप जीतने में सफल हुआ था। लेकिन ये सभी जानकारी से पहले वीडियो में एंड तक बने रहें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं T20 विश्व कप 2007 की, जिसमें युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, आरपी सिंह, रॉबिन उथप्पा, इरफान पठान का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को अवॉइड कर दिया जाता है। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक समय था जब रोहित शर्मा टीम इंडिया में नए नए से थे। ये बात है T20 विश्व कप 2007 की, जब पहली बार T20 विश्व कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था। इस विश्व कप में सभी का मानना था कि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ही T20 विश्व कप चैंपियन फिर से बनेगा। लेकिन यहाँ किसको पता था कि इस बार भारतीय टीम के इरादे कुछ और हैं। ऐसे समय में किसी को भारतीय टीम से ये उम्मीद नहीं थी कि धोनी की कप्तानी में ये युवा टीम ऐसा खेल जाएगी। किसी को पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारतीय टीम के सभी सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया था और एक युवा टीम इस T20 विश्व कप में उतरती है, वो युवा टीम जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन यहाँ धोनी की तारीफ करनी होगी, जो इस युवा टीम की बदौलत विश्व कप जीतने में सफल हुए। टीम को इस तरह हैंडल करना धोनी की ही बस की बात थी। यही से शुरुआत होती है उस युवा खिलाड़ी की, जिसे आलोचनाओं का शिकार बनाया गया था। ये कहानी है उस वक्त की, जब भारतीय युवा टीम पहली बार T20 विश्व कप खेलने उतरा था और इस टूर्नामेंट में रोहित का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, जब रोहित ने कई अहम मैचों में बेहतरीन पारी खेली थी। ये रोहित की लाइफ का ऐसा वक्त था जब कई युवाओं से भरी टीम इंडिया पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 विश्व कप खेल रहा था। ऐसे में कई युवाओं को उस वक्त टीम में जगह नहीं मिल पाई थी और लोगों के बीच ये बातें चल रही थी कि रोहित से पहले विराट को टीम इंडिया में मौका देना चाहिए। लेकिन एन मोमेंट में धोनी ने रोहित को सिलेक्ट कर लिया था और धोनी का ये डिसीजन भी सही साबित हुआ, जब रोहित ने इस T20 विश्व कप में अपने दूसरे मैच में ही साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वो आतिशी पारी खेली थी, जिसकी बदौलत भारत आगे बढ़ता गया और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं रोहित की ये कहानी। बात दरअसल ये है कि जब भारत बाल आउट में पाकिस्तान को हराकर एडवांस ग्रुप में पहुंचा तो भारत अगला मैच न्यूजीलैंड से हार गया और यहां से भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अगले दोनों मैच जीतना जरूरी था। और जब भारत अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेला तो युवराज के 6 छक्कों की मदद से इंग्लैंड को ये मैच 18 रनों से हरा दिया था और पहली बार इस मैच में दिनेश कार्तिक की जगह रोहित शर्मा को टीम में जगह मिली थी। लेकिन इस मैच में उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि रोहित को टीम में एज ए फिनिशर के तौर पर रखा गया था और ये मैच भारत युवराज और धोनी की धमाकेदार पारी की बदौलत पहले ही जीत जाता है और यहाँ रोहित को खेलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत मैदान में उतरता है और इस मैच में शुरू से ही भारत के विकेटों का पतन होना शुरू हो जाता है। एक समय भारत बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाता है जब भारत के 4 विकेट मात्र 61 के स्कोर पर ही गिर जाते हैं। रॉबिन उथप्पा के आउट होने के बाद रोहित शर्मा की एंट्री होती है, जिसे आलोचनाओं से लोगों ने पस्त कर दिया था। अब वक्त आ चुका था जवाब देने का और इस मैच में रोहित और धोनी ही थे जो क्रीज पर खड़े रहकर टीम को संभाला था। दोनों ने मिलकर स्कोर को अब 153 तक पहुंचा दिया था। इस मैच में रोहित शर्मा ने 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 गेंदों में 50 रन ठोक दिए थे। इन्हीं दोनों की पारी की बदौलत भारत इस मैच को 37 रनों से जीत जाता है और यहां से अब भारत सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाता है। और यहां से शुरू होती है रोहित शर्मा की कहानी, जो अपने इस प्रदर्शन से उन प्रशंसकों को करारा जवाब दिया
दिया था। जो लोग कहते थे कि रोहित शर्मा को मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 3 मिनट क्रिकेट का स्पेशल एपिसोड रोहित की, रोहित से हिटमैन बनने की कहानी। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे हिटमैन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे क्रिकेट का योद्धा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साल 2013 में खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इस खिलाड़ी ने वो करिश्माई पारी खेली थी जिसे दुनिया देखकर दंग रह गई थी। और इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में कुल 16 छक्के की मदद से पहली बार ODI में दोहरा शतक लगाया था और कुल 209 रन बनाए थे। ये वो दिन था जब इस खिलाड़ी ने महा रिकॉर्ड बनाया था और दुनिया को दिखाया था कि मैं कर सकता हूँ। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 13 नवंबर 2014 इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इस मैच में भी इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से करिश्माई पारी खेली थी जब रोहित शर्मा ने इस मैच में 264 रन ठोक दिए थे और पूरी दुनिया को एक बार फिर से दिखाया था कि उन्हें महान हिटमैन क्यों कहा जाता है। ये खिलाड़ी यहीं तक नहीं रुका। 13 दिसंबर 2017 फिर वही टीम श्रीलंका, एक बार फिर से इस खिलाड़ी ने करिश्माई पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तबाही मचाई थी जब इस मैच में रोहित शर्मा ने 208 रनों की पारी खेली थी। ये मैच मोहाली में खेला गया था। एक बार फिर से इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया था क्यों वो महान है। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ODI इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 3 बार डबल सेंचुरी लगाकर इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने न सिर्फ दोहरा शतक लगाया है, एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो ये कि रोहित ने जो डबल सेंचुरी लगाई है, एक टीम के खिलाफ 2 बार ये कारनामा किया है और वो टीम है श्रीलंका की टीम। और तीसरी बार डबल सेंचुरी लगाई तो विश्व की सबसे टॉप टीम मानी जा रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई थी। रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL में मुंबई इंडियन टीम के कप्तान के तौर पर 5 बार टीम को चैंपियन बनाया है। IPL में सबसे ज्यादा 5 बार जीतने वाली 2 टीमें हैं CSK और MI। अब तक कुल 16 सीजन IPL के खेले गए हैं जिसमें 5-5 बार 2 टीमों ने खिताब जीता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा के बारे में। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।